राज्य में बे थी त्रण दिवस रहेशे वादळछायुं वातावरण। आगामी त्रण दिवस माटे हवामान विभागे आगाही करी छे। भेजनुं प्रमाण वधु होवाथी वादळछायुं वातावरण रहेशे। जो कि हाल राज्य में वरसादनी कोई शक्यता नथी। लघुत्तम तापमान में 1 डिग्रीनो वधारो थई शके तेम छे। अगले 7 दिन में मोस्टली वेदर ड्राई होने का संभावना है। गुजरात में बारिश होने का संभावना नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन में, 3-4 दिन में गुजरात में कहीं कहीं जगह में बादल बनते हुए दिखेगा। अपर लेवल में मॉइस्चर आ रहा है, इसके कारण से बादल बन सकता है। लेकिन बादल जो बनेगा वो मोस्टली हाई क्लाउड बनेगा। अपर लेवल में बादल बनने का संभावना है, लेकिन बारिश होने का कोई संभावना नहीं। टेम्परेचर देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगले 3-4 दिन में ज़्यादा चेंज होने का संभावना नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 1-8 डिग्री बढ़ सकता है। 4 दिन का बाद मिनिमम टेम्परेचर 2-3 डिग्री घटने का संभावना है। ठंडी का सीजन तो अक्टूबर से लेके हम जनरली जनवरी फरवरी तक हमको प्रेजेंट वेदर मिलता है। बीच बीच में कोल्ड और ठंडा भी फील होता है, लेकिन नवंबर गुजरात में स्पेशली नवंबर अक्टूबर में ज़्यादा ठंड नहीं गिरता है। मोस्टली प्रेजेंट वेदर रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। वेरी ग्रेजुअल फॉल होता है मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, एंड उसमें ठंड ज़्यादा नहीं होता है। इवन कोल्ड वेव होने का भी संभावना नहीं रहता है।